हाँ, बहुत जबरदस्त। ये पूरा स्मार्ट सिटी, पूरा वो वाला थीम था जो बाहर कंट्रीज़ में वहाँ पर इसी तरह किया जाता है कि वॉकिंग ट्रैक बनाया जाता है, साइकिल का ट्रैक बनाया जाता है, बैठने के लिए बेंचें लगाई जाती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कमेंट्स भी आए थे कि और वोट्स भी देने के लिए जाएंगे, उन्होंने बोला कि हम वोट्स देने के लिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इनके लिए भी अच्छा होगा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सबिया खान। चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप, चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल हिंदी में शक था या शायद, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। देखिए, 10 सालों बाद यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, हिंदुस्तान का ताज है, और 10 सालों बाद इस सरप्रस्ती में, इतने बड़े जहान में जो हिंदुस्तान का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ चुनाव होने वाले, पूरे जहान की नज़र है। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा इस टाइम प्रचंड बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाएगी। भाजपा के लोगों में बहुत खुशी है, उत्साह है, उल्लास है, एक उत्सव की तरह लोग बाहर निकल रहे हैं, उमड़ रहे हैं और यहाँ पर वोट डालने के लिए उत्सुक हैं। और जिस तरीके से एक बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, वो देश विरोधी, मुल्क विरोधी नीतियों पर चलता आ रहा है, पहले भी चलता आया था, आज भी चल रहा है, पर उनको हर तरीके से हशर करने का भाजपा के लोगों ने सोच लिया है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की कल भी एक बहुत बड़ी सभा थी जम्मू कश्मीर में, आने वाले दिनों में भी बहुत बड़ी सभाएं वो करने वाले हैं, बहुत कुछ से नवाजने वाले हैं। सबसे पहले तो उन्होंने 370A को हटाकर इतना बड़ा नवाज दिया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, अमन चैन कायम कर दिया। जहां लोग डरते थे आने के लिए, वहां पर टूरिज्म को इतना डेवलप कर दिया कि टेररिज्म का इतना खौफ था लोगों में, आम जनता में, हम भी आम कॉमन आदमी हैं, आम जनता हैं, हमें भी डर लगता था, पर धारा 370 और 65A के धाराशाही होने के बाद इतना लोगों में जज्बा आया है, लोगों ने इतना जम्मू कश्मीर की तरफ रुख किया है, और जो एक माहौल बना है उसके बाद, जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से नवाजा है, मैं इस बात को बड़े विश्वास से कह सकती हूँ, आगे आने वाले समय में जब ये सरकार यहाँ पर बहुमत से बनेगी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और बड़े दिल से जम्मू कश्मीर को नवाजेंगे। रिफ्यूजीज को हो, वेस्ट पाकिस्तानी के हमारे कुछ लोग थे, रिफ्यूजीज थे जो वोट नहीं कर सकते थे, मेरे सुनने में आया कि सिर्फ लोकसभा में वोट कर सकते थे, विधानसभा में उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। महिलाओं की जो शादियां बाहर हो जाती थी, उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, और SC ST एक्ट जो लोग थे उनके पास एक रिकग्निशन नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि लोगों पर आज की इस जहान में भी, 75 साल की आजादी के बाद भी लोगों के पास वोट करने का अख्तियार नहीं था। इससे बड़ा अधिकार इस देश में क्या होगा जो जिससे वंचित थे। तो रिफ्यूजी जो लोग थे हमारे, वेस्ट पाकिस्तानी के जो यहाँ पर प्रमुख लोग रहते थे, उन्हें वोटिंग राइट्स मिले गए, प्रॉपर्टी राइट्स मिली गई, उनको वन टाइम मेरे ख्याल से 5 लाख की पेमेंट हुई गई, 25 लाख उनको वायदा किया गया है, वो भी पूर्ण रूप से किया जाएगा। और जहां तक आगे आने वाले समय की बात है, तो यहाँ पर अमन चैन कायम, अगर जम्मू कश्मीर में अमन चैन है, सुकून है, तो आप ये लगा लीजिए पूरे देश में, कहीं जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी भी अस्थिरता आती है तो पूरा देश में आती है। जम्मू कश्मीर हमारा ताज है और मैं चाहती हूँ इसकी सरप्रस्ती से कायम रहे। हम लोग पिछले 15 दिन से यहाँ पर प्रचार देख रहे हैं, सांबा जिला में देख रही हूँ मैं, विजयपुर विधानसभा में, जम्मू कश्मीर में एक भगवई खुशबू की महक आ रही है। हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोगों तक पहुंच रहे हैं, कस्बों से लेके, टाउन से लेके, शहर से लेके गांव तक पहुंच रहे हैं। चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे यहां पर आने वाली बिजली पानी का निर्माण हो, चाहे एम्स का निर्माण हो, लोगों में एक उत्सुकता है, लोगों में ये भी जागरूकता है कि जिस तरीके से आज नौजवान पीढ़ी हमारी थोड़ी गुमराह हुई है, नौजवान पीढ़ी हमारी नशे की तरफ जा रही है, उसके तरफ बहुत बड़ा कदम भाजपा ने उठाने का सोचा है कि उसको नशा मुक्त जम्मू कश्मीर को बनाएंगे, नौजवान लोगों को यहाँ पर शिक्षा देकर, तालीम देकर उन्हें रोजगार देंगे, ताकि वो जितने भी ये असामाजिक तत्व हैं उनसे दूरी बना लें। जी जनाब, ये थी खातून, मेरे ख्याल में शायद कश्मीरी ही लग रही थी, और जिस तरीके से कोई भी पार्टी कहीं पे भी चुनाव लड़ती है तो वहीं के लोगों को खड़ा करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में ये भी इलेक्शन का हिस्सा होंगी। और जैसे ये बता रही थी ना कि हमारा टूर चल रहा है, या हम एक कैंपेन होती है इलेक्शन से पहले, लोगों को बताया जाता है कि हम यहाँ करेंगे, हमारे प्लानिंग ये है, हमारी ये सोच है, और बीजेपी की गवर्नमेंट है 10 साल हो गए, तो बीजेपी की गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, ये गांव जो हमने पिछली वीडियो देखी थी, जो कैरन गांव है वो एंड पर है,
तो इस वजह से भी शायद थोड़ा डेवलपमेंट से रह गया होगा, लेकिन कश्मीर बहुत बड़ा है। आपने वो देखी थी वीडियो श्रीनगर की? हाँ। जो मैं कह रहा हूँ यूरोप लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई मतलब घंटा घर जो बना हुआ है, या बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, सिटिंग एरिया, बेंचेस वगैरह लगाए थे और पार्क वगैरह, हाँ, इतना जबरदस्त, हाँ हाँ बहुत जबरदस्त, ये पूरा स्मार्ट सिटी पूरा वो वाला थीम था जो बाहर कंट्रीज में बराबर इसी तरह किया जाता है कि वॉकिंग ट्रैक बनाया जाता है, साइकिल का ट्रैक बनाया जाता है, बैठने के लिए बेंचें लगाई जाती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कमेंट्स भी आए थे कि आने वाले वक्तों में स्विट्जरलैंड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, और खूबसूरत है ना, वैसे खूबसूरत है तो कुदरत ने खूबसूरती दे दी, अब थोड़ा सा इको सिस्टम बेहतर बना के आप उसको जन्नत बना दो। बिल्कुल। तो 370 वाला मामला जो बता रही थी कि 370 के बाद बड़ा फ़ायदा हुआ, 370 के बाद यूँ समझ लो 370 का ये है कि 370 वो चीज़ थी कि जैसे जैसे इंडिया और कश्मीर, पाकिस्तान का जो कश्मीर और इंडिया का कश्मीर है, ये एक नॉर्मल चीज जगह नहीं थी, ये समझो एक विवादिक या एक डिस्प्यूट कहते हैं जिसको, ये वो एरिया था, उसकी वजह से इस पर 370 लगा हुआ था, यानी कि ये नॉर्मल इलाका नहीं है, ये एक स्पेशल एक प्रॉब्लम की वाला मसला है। तो 370 हटने से वहाँ पे कानून चेंज हो गए, वहाँ के लोगों को और सहूलतें मिली, वहाँ के लोगों का आना जाना हुआ या परचेजिंग लैंड कर सकते हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत 370 के बारे में पता है। तो इससे 370 से यूँ समझ लो कि वहाँ के लोगों को असल आज़ादी मिली, लेकिन 370 हटाना किसी गवर्नमेंट का काम नहीं था, इतना आसानी से नहीं हटा सकते थे, वहाँ पे फसाद हो सकते थे, एहतजाज हो सकते थे, इश्यूज खड़े हो सकते थे जनता की जानिब से जो लोग फसाद करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये बीजेपी ने बहुत, मैं कहता हूँ बहुत हिम्मत का, बहुत ही हिम्मत जुटाई कि ये वाला काम किया 370 हटा के, उसके बावजूद भी फसाद नहीं हुए, कोई ऐसे मसले नहीं हुए, तो बड़ी प्लानिंग से मेरे ख्याल में शायद। तो कश्मीर की वीडियोस तो आपने भी काफ़ी देखी है, तो वाकई कश्मीर आपको कैसा लग रहा है? कश्मीर अभी तो मतलब थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, और ये वीडियो जनता तक मतलब पीजीपी के तक पहुँचेगी तो जाहिर सी बात है और डेवलप होगा, जितना हमने अभी देखा था सिर्फ श्रीनगर तो बहुत ज़्यादा बना, श्रीनगर मतलब कि कश्मीर के कुछ गांव जो इलाके हैं वो डेवलप नहीं है, अदरवाइज तो बहुत चेंज हो गया, तो ऐसा ऐसा यहाँ तक भी पहुँचेंगे और यहाँ तक भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो जो ये जनता मैसेज दे रही है अपना, तो ये वीडियोस के थ्रू उन तक पहुँचेगा, तो वो कोई ना कोई ज़रूर एक्शन लेंगे और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब होगा इस तरह, जाहिर सी बात है जब वो अपनी आवाम के लिए इतना कर रहा है तो इन लोगों के लिए क्यों नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसा ही होगा। अच्छा, 10 सालों बाद पहली बार मतलब शायद इलेक्शन हो, हाँ 10 साल के बाद इलेक्शन खराब होने की वजह से इलेक्शन, वोट्स भी देने के लिए जाएंगे, उन्होंने बोला कि हम वोट्स देने के लिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इनके लिए भी अच्छा होगा। फिर किसी और मीडिया के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय बाय।